हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 करने वाले हैं क्लास 7th मैथ की। सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक निकालेंगे जिसमें आप लोग असेसमेंट अच्छे से समझ सको और इसे सॉल्व करके लिख सको। देखिए, आपकी इंग्लिश मीडियम में है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि सभी बच्चे इसे एक बार खुद जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है? फिर आप लोग मेरी वर्कशीट से यहाँ से ही इसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे दूसरे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सको और गेम जीत सको। देखिए, नेम द एंगल मेड ऑन स्ट्रेट लाइन, आपको उस एंगल का नाम बताना है जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है। तो बच्चों, ये कितना ईजी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप बता दोगे इस पे कौन सा स्ट्रेट एंगल क्या बनता है। बच्चों, हमेशा स्ट्रेट लाइन पे आपका क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है, ठीक है? तो आप आंसर नंबर 1 क्या आ जाएगा बच्चों, आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नीचे, आपका सेकंड, हाउ मेनी रेज कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट। तो एक पॉइंट से बच्चों कितने 8, 400, 400, 400, ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें। चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8, 400, 400, 400 पे। नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फ़ोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें, तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 IIT, नीट, CBSE बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8, 400, 400, 400 डाउट नट ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन। कितनी रेस पास हो सकती है आप सभी को पता है, मैंने आपको समझाया था कि एक रेस से कितनी भी लाइन आप पास करवा सकते हो। तो बच्चों इन्फिनाइट, ठीक है बच्चों, इन्फिनाइट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं थर्ड पे, थर्ड आपका दिया गया है इसमें, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री, आपको सप्लीमेंट्री एंगल बताना है 65 डिग्री का। देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमें क्या दिया गया है, मैं इसका आंसर बता रहा हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना दिया है 180 डिग्री, ठीक है बच्चों, कितना दिया हमें 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है 180 डिग्री, जिसमें से हमारा एंगल ए जो है वो कितना है बच्चों 65 डिग्री है, ठीक है, हमने ये मान लिया। प्लस एंगल बी बच्चों कितना हो गया 180 डिग्री, तो बच्चों आपने देखा कि एंगल बी हमारा कितना आ गया 180 माइनस 65 डिग्री, ठीक है, तो बच्चों आपका कितना आंसर आ जाएगा, तो आप देखोगे 115 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोगों ने क्या सीखा, ये एक तरीके से एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है जिन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो एंगल बी आपका आंसर कितना आ गया 115, तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, हमने इसका सप्लीमेंट्री निकाल दिया। अब चलते हैं, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, अब आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री का हमेशा योग कितना होता है, इनका जो सम होता है, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, इनका बच्चों सम कितना होगा, एंगल ए एंगल बी का कितना होगा बच्चों 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री होगा। अब हम अगर एंगल ए को 50 डिग्री मान लेते हैं तो प्लस बच्चों एंगल बी हमारा कितना निकल जाएगा, तो आप कैसे निकालोगे इसे, एंगल बी आपका आ जाएगा 90 माइनस 50, तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है, तो आपका हमने निकाल दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 30 डिग्री। बच्चों बहुत इजी से वर्कशीट दिया, अगर आप मेरे चैनल से करोगे तो आपको सारी वर्कशीट बच्चों बहुत इजी लगेगी और आप अच्छे से कंप्लीट करोगे, अच्छे से मार्क्स लेके आओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है बच्चों। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स बनना है। देखिए, एंगल ए प्लस एंगल वन, एंगल वन प्लस एंगल टू बच्चों कितना है यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया था जो एक लाइन का ये होता है पूरा कितना होता है बच्चों, ये 180 डिग्री, तो बच्चों ये कितना हो गया आपका 180 डिग्री, ठीक है। अब कहा गया एंगल टू एंगल थ्री, एंगल टू और एंगल थ्री बच्चों एक दूसरे से क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब सिक्स पे चलते हैं, इसमें दिया है टू लेन्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर फॉर्मिंग 4 एंगल, देखो दो क्या है गलियां है एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, एंगल दो जो है वो आपका कितना है 80 डिग्री, जो आपका एंगल टू है ये कितना बच्चों 80 डिग्री हमें दिया गया है। देन फाइंड द एंगल 1, 3, 4, देखिए ये बहुत इजी है, आप लोगों ने देखा होगा, देखिए मैं आप ऐसे लिखोगे आंसर नंबर 6, ठीक है, एंगल टू कितना दिया गया है आपको 180 डिग्री,
ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। अब देखो ये कह रहा है कि फाइंड द अदर एंगल, तो बच्चों सारे एंगल का हमने पढ़ा था ऐड कितना होता है, तो देखिए जब एंगल 2 प्लस एंगल 4 आप निकालोगे, ये 2 और ये 4, तो बच्चों आपको पता है इनका जो सम होगा कितना होगा, 180। एंगल 2 बच्चों हमें 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 180 लिख दिया, बच्चों यहाँ पे 80 डिग्री दिया गया है, ठीक है, तो 80 लिखोगे। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4 हमने कितना पढ़ा था, ये जो पूरा होता है बच्चों कितना इनका योग होता है, मतलब इनका ऐड करके कितना 180 डिग्री होते हैं ये, ठीक है, तो आपका एंगल 2 कितना दिया 80 डिग्री, तो बच्चों क्या आ जाएगा एंगल 4, ठीक है 180, तो बच्चों एंगल 4 कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 80, तो आपका ये 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, तो एंगल 4 हमने कितना 100 डिग्री निकाल लिया। तो बच्चों जब ये आपका 100 है तो ये आपका 80 होगा ये भी, ठीक है, ये आपका 100 होगा, तो आपका कितना हो गया ये 200 मिला के हो गए दोनों, ये 80 प्लस 80 बच्चों कितना हो गया 80 प्लस 80 बच्चों कितना मिला के 160, तो बच्चों 360 इसका पूरा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, तो क्योंकि ये पूरा 360 होता है एक सर्कल। अब देखिए आगे चलते हैं, ठीक है, देखिए 7 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें बस आपसे यही पूछा था, ठीक है, तो हमने एंगल 4 बता दिया, तो आप इसे ऐसे करके लिख दोगे एंगल 4 आपका कितना है 100 आया, तो आपका एंगल 3 भी बच्चों कितना आ जाएगा 100, और आपका एंगल 1 कितना आ जाएगा बच्चों 80 डिग्री, ठीक है, ये भी आप लिख देना, बाकी ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। 7 पे आ जाते हैं, द पेंटेड लाइंस दैट सेपरेट पार्किंग स्पेस आर पैरेलल टू मेजर ऑफ एंगल 1 इज 64 डिग्री, मेजर द एंगल 2, ठीक है, आपको 64 डिग्री कौन सा दिया गया है एंगल 1, तो आप लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है, आंसर नंबर 7, ठीक है। अब देखिए, अब देखोगे एंगल 2 आपको निकालना है, तो एंगल 1 किसके है, एंगल 2 के क्या है कोरेस्पोंडिंग एंगल है, क्या है ये कोरेस्पोंडिंग एंगल, तो हमने देखा था अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल होते हैं तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, तो 64 डिग्री इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू एंगल 2, तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन पे, 8 क्वेश्चन में आपका दिया गया है, देखिए इसमें डायग्राम दिखाते हैं, दिस इज स्पॉट ऑफ रेलवे क्रॉसिंग ऑन अ रोड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है ये वाली, तो बच्चों ये कौन से एंगल हैं आप लोगों को पता होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये इंटीरियर में आ रहे हैं, ठीक है, अगर आउटर में होते तो यहाँ होते बच्चों, ठीक है, ये इंटीरियर में आ रहे हैं तो ये आपके हो जाएंगे, देखो पहले हम लिखेंगे एंगल 50 डिग्री इक्वल टू किसके है एंगल एक्स के, ठीक है, तो ये कौन से हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, आपको बस ये लिखना है एंगल 50 डिग्री इक्वल टू एंगल एक्स डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका दिया 9 में, इन द फिगर फर्स्ट, ठीक है, आपको एल एंड एम दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है फाइंड द एंगल 234, एंगल 234 बच्चों आपको निकालना है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में, तो जो देखो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे आंसर नंबर 9, ठीक है, एंगल 1 कितना दिया आपको 64 डिग्री, अब देखिए क्या निकालना है आपको 65 डिग्री दिया गया बच्चों, यहाँ पे 65 कर लेंगे सभी, ठीक है। अब चलते हैं आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री, जैसा कि हमने पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 पूरा बच्चों कितना आ जाता है 180 डिग्री, जैसा आपने पढ़ा था लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, अगर आप लिखना चाहो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एंगल 1 हमें 65 दिया गया है प्लस एंगल 2 हमें निकालना है, तो 180 डिग्री, तो बच्चों कितना आ जाएगा एंगल 2 आपका 180 माइनस 65, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 115, ठीक है, एंगल 2 आ गया। अब देखिए तो जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है एंगल 3 के, तो आपका 115 आ गया, तो बच्चों आपका एंगल 3 भी कितना आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है, तो एंगल 1 भी एंगल 1 65 आ गया, एंगल 3, एंगल 2 115 और एंगल 1 बच्चों 65, ठीक है, तो हमारा 3 भी हो गया 4, एंगल 4 बच्चों किसके
इक्वल हो जाएगा चार वाला, जब एक वाला तीन के ऊपर इक्वल है तो चार वाला बच्चों दो के इक्वल हो जाएगा। इसके इधर आप एंगल फोर भी लिख देना, ठीक है, हमारे सारे एंगल निकल गए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आपको दिया गया है राइट द पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ, ठीक है, देखो आपको नाम बताने हैं इन सभी के, देखिए सबसे पहले आपको बताना सप्लीमेंट्री एंगल इसमें से कौन कौन से होंगे। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़े थे कि आपके, देखिए मैंने आपको ऊपर भी समझाया था अभी यहीं पे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ठीक है, जो आपका जिनका जोड़ जिनका ऐड क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको 180 डिग्री बच्चों किस में मिल रहा है, एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी प्लस एंगल ई बी ए, ई बी ए बच्चों ये मिलके क्या 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसके अंदर सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे एरो लगा के लिखोगे आप, एंगल ई बी सी प्लस एंगल ई बी ए, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। आप चलते हैं सेकंड में, कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बताया था 90 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है, तो इसमें देखो 90 डिग्री ढूंढो आप लोग, एंगल ई बी डी, ई बी डी, ठीक है, प्लस करोगे एंगल डी बी ए, डी बी ए, ठीक है, तो ये दोनों मिला के कितना बनेगा 90 डिग्री। आप देख सकते हो 58 प्लस 32 ये कितना हो गया 0, और आपका 5 और 3 बच्चों कितना होगा 8 और 1 9, ठीक है, 90 डिग्री आपका आ गया। तो आप लिखोगे एंगल ई बी डी प्लस एंगल डी बी ए, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं एनी वन लीनियर पेयर ऑफ एंगल, देखिए लीनियर पेयर के लिए आप क्या कर दोगे, एंगल ई बी सी, ठीक है, ई बी सी हो गया आपका, और एंगल ई बी ए, ई बी ए, ये एक दूसरे के लीनियर पेयर हो गए, ठीक है बच्चों, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो, ये दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर हो गए। तो आप लिख दोगे एंगल ई बी सी एंड, ठीक है बच्चों, इनके बीच में आप एंड लगा लेना सबके, क्योंकि हमें प्लस नहीं करना है, बस हमें बताना है, ठीक है। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री है, नहीं इन दोनों में प्लस आएगा क्योंकि इनका बच्चों योग 180 डिग्री है, लेकिन नीचे वाले में प्लस नहीं आएगा, इसमें इस दोनों में प्लस आएगा, इसमें बच्चों एंड का साइन आएगा, ठीक है, ई बी सी एंड एंगल ई बी ए, ठीक है। तो होपफुली आपको वर्कशीट बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, जहां तक मुझे है। देखिए मेरे चैनल का जो नाम है, दूसरे चैनल का सुजीत सिंह, ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जस्ट नीचे, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं मेडिकल लाइन से रिलेटेड व्लॉग डालता रहता हूँ, और उसी पे बच्चों आपके लिए गिफ्ट लेके आता हूँ, ठीक है। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि न्यू जो वीडियो आने वाली है उसके अंदर बच्चों आपको न्यू गिफ्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस पर आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही वीडियो डलेगी आपको उस पर कमेंट करना है, ठीक है, और उसमें से मैं बच्चे सेलेक्ट करूँगा, बच्चे वही सेलेक्ट होंगे जो डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करते होंगे, 10 फ्रेंड के साथ शेयर करते होंगे, और वीडियो को बच्चों पूरी देखते होंगे, ठीक है बच्चों। तो होपफुली आप लोग वर्कशीट को टाइम पे कंप्लीट करेंगे, और डेली डेली वर्कशीट कंप्लीट करें, और सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को वीडियोस देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।